बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन जो कि इन दिनों अपनी आगामी फिल्म फाइटर की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस फिल्म की शूटिंग अभी आखिरी चरण में है। यह इंडियन सिनेमा की पहली एरियल एक्शन फिल्म होने वाली है। इसी बीच फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार इस फिल्म का लगभग 30 मिनट का क्लाइमैक्स एक्शन सीन को अभी शूट किया जा रहा है। इस 30 मिनट के क्लाइमैक्स एक्शन सीन को शूट करने के लिए फिल्म फाइटर की टीम को लगातार 120 घंटे से अधिक की शूटिंग करनी होगी। इस 120 घंटे में ऋतिक रोशन, अनिल कपूर और दीपिका पादुकोण खतरनाक फाइट सीन और एरियल सीन को शूट करेंगे। सिद्धार्थ आनंद इस 30 मिनट के क्लाइमैक्स सीन से दर्शकों को एक अलग अनुभव देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने और ऋतिक रोशन के साथ इस सीन को शूट करने के लिए 120 घंटे का टाइम सेट किया है। इस एक्शन सीन को ठीक तरह से शूट करने के लिए लगातार 120 घंटे का समय लग रहा है। अब देखते हैं कि सिद्धार्थ आनंद इस क्लाइमैक्स सीन से दर्शकों को किस तरह का अनुभव देना चाहते हैं। वैसे सिद्धार्थ ने फिल्म फाइटर को लेकर दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि फाइटर बिल्कुल अलग किस्म की फिल्म है। सिद्धार्थ ने कहा था, यह फिल्म उनकी पिछली फिल्मों पठान और वार से बिल्कुल अलग होगी। यह एक एरियल एक्शन फिल्म है जिसमें भारतीय वायुसेना के पराक्रम की कहानी को दिखाया जाएगा। इसके अलावा इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस भी बहुत अलग तरह के होंगे जो कि भारतीय दर्शकों ने बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं देखा होगा। बता दें कि फिल्म फाइटर में ऋतिक रोशन एक भारतीय वायुसेना के ऑफिसर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म में उनके किरदार का नाम पैटी है जो कि काफी यंग और गुस्सैल दिखाया जाएगा। इस फिल्म में ऋतिक रोशन के अपोजिट पहली बार दीपिका पादुकोण नजर आएंगी। इसके अलावा फिल्म में अनिल कपूर भी अहम भूमिका में हैं। यह फिल्म अगले साल 26 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।